हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। होली की रात आ चुकी है। होली की रात सिर्फ पर्व के नज़रिए से नहीं बल्कि ज्योतिष के अनुसार भी बेहद ही खास होती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार इस रात में दी गई मंत्र सिद्धि मनुष्य को सफलता दिला देती है। मान्यता है कि होलिका दहन के समय अगर कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं तो बड़े से बड़े संकटों को भी टाला जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही उपाय के बारे में जानकारी देख लेंगे। कुछ ऐसे उपाय जिससे आपके समस्या का समाधान हो सके। बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होली का दहन किया जाता है। इसके बाद ही खुशी के तौर पर रंगों की होली खेली जाती है। इस बार होली का दहन 28 मार्च को किया जा रहा है और मान्यता के अनुसार होली का दहन के समय अगर कुछ विशेष उपाय करते हैं आप तो बड़े से बड़े संकटों को भी टाला जा सकता है। कुंडली में अगर ग्रह दोष है और अक्सर कोई ना कोई परेशानी अगर आपके जीवन में लगी रहती है तो होली का दहन के समय जो राख हो जाती है तो उस राख को ठंडा होने के बाद घर ले आइए और इसे पानी में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। अगर नौकरी में किसी तरह की समस्या आ रही है तो एक नारियल को 7 बार घड़ी की दिशा में घुमाएं और अपने इष्ट को करके अब मन ही मन काम पूरा करने के लिए प्रार्थना करें और नारियल की जो आपने लिया है उस नारियल को होनी की अग्नि में डाल दीजिए। अगर घर में कोई बीमार रहता है तो होली का दहन के राख को बीमार व्यक्ति के शरीर पर छिड़क दीजिए। इसके अलावा उसके बिस्तर पर भी आप छिड़क दें तो इससे काफ़ी आराम मिलेगा। अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो होली का दहन की रात में भगवान नरसिंह की पूजा अवश्य करें और नरसिंह स्तोत्र का पाठ करें। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु के 12 स्वरूपों में से एक है। ये अवतार भगवान ने भक्त प्रहलाद की जान उसके पिता से बचाने के लिए लिया था। घर में लंबे समय से बुरा वक्त आप देख रहे हैं और इस वक्त को ख़त्म करना चाह रहे हैं, इसे छुटकारा पाना चाह रहे हैं तो होली की राख घर में लेकर आइए। उसमें राई और साबुत नमक डाल दीजिए और घर में शुद्ध स्थान पर रख दीजिए। इससे घर की नकारात्मकता दूर होगी। अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो होली का दहन के बाद उसी स्थान पर लोगों को सुपारी और पान का पत्ता भी भेंट स्वरूप अवश्य दे दें। दान करने से भी तमाम कष्ट दूर होते हैं। होली का दहन के बाद गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी आप दान कर सकते हैं। अगर आपके घर परिवार पर बुरी नज़र का साया है तो किसी चीज से नज़र उतार कर उसे होली का दहन की अग्नि में जरूर डालें। दोस्तों, इन उपायों से करने से काफ़ी हद तक आपको संकटों से टाला जा सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ उठा सके। अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर करें। होली की सभी को बेहद बेहद शुभकामनाएं।